Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you. Sister, as usual, kuch padhna chahunga. Ji, compassion dissolves anger. Understanding why someone behaves the way they do allows for forgiveness when they have mistreated you. Maybe they are insecure. Last time aapne bataya tha insecurity mein. Maybe they are insecure or in pain, or maybe they even suffered some type of abuse in their lifetime. And you can see why they are the way they are. See the last line. And you can see why they are the way they are. Which means, jab hume ye nazar aane lage, ki why they are the way they are, then the question mark, why are they like this, wo question mark khatam hona shuru karega. Ye practical hai, ki ghar pe koi kaam nahi kare, aur wo tankha bhi le raha hai, aur khana time pe nahi de mujhe, aur wo sota rahe, aur main bolu, arre nashta nahi hai, chalo let me see. No, they are not saying this line. Is it practical? Because today, every thing we throw away, which is not working. There is no time to repair it. Throw away. Even the lighters, which people throw away, things are slow. Chalta hai, 2G, 3G, 1G, 4G, I don't know what is going on. This is slow, chalta hai, to mujhe taklif hoti hai. So today, where is my time and utta patience? Kahan hai? Patience, I mean, mere mukh se ek line nikli. Right. Ek word nikla. कि कहाँ है कि बैठ के मैं सोचूं कि इसके बारे में मतलब जा भाई तू जा I want a ready-made person. तो अगर हमें एक perfect person चाहिए तो आप कहेंगे हम इसको हटाएंगे दूसरे को लाएंगे. Instrument भी चाहिए ये हटाएंगे. Instrument तो ठीक है लोग. अच्छा. People. Instrument is easier एक को दूसरे से replace कर दिया. लोग. Even अगर staff है तो ठीक है एक को दूसरे से replace कर देंगे. आपने औलाद का क्या करेंगे? हाँ. सही बात. Family का क्या करेंगे? जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ क्या करेंगे? सारा दिन जिन लोगों से हम interact कर रहे हैं वहाँ क्या करेंगे? Staff को भी replace कर देंगे तो भी जो next आएगा वो अपने साथ अपना baggage, emotional baggage और संस्कार लेकर आएगा. But इतना patience नहीं है कि भाई बहनों को भी बैठ के सोचे कि उस पर क्या गुजर रही होगी. या क्या उसके संस्कार होंगे? Look at this line. इतना पेशेंस नहीं है कि हम बैठकर सोचें कि उन पर क्या गुजर रहे होंगे. सारा दिन इसमें बीत रहा है कि मुझ पर क्या गुजर रहे है. हाँ. उसके लिए टाइम है. है ना? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर ऐसा भी किया, फिर उसके ऊपर ये भी कर दिया, फिर ऐसा भी किया. ये भी तो थिंकिंग है. इसके लिए टाइम है. इसमें ही तो कितना टाइम और एनर्जी जा रही है. तो हाउ कैन वी से हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है सोचने के लिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया. अगर हमने थोड़ा सा टाइम निकाला ये चेक करने में कि हु दे आर, व्हाई दे आर द वे दे आर, दैट लाइन नीड्स टू बी अंडरलाइंड. इफ वी जस्ट स्पेंड दैट लिटिल टाइम टू फाइंड आउट why they are the way they are, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा जो इसमें बीत रहा है why they are like this with me. हम क्या सोच रहे हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये व्यवहार क्यों किया. First go and check why they are the way they are not like that with me, they are like this. With everybody also. They are like this. Hmm. जब हमें कोई ऐसा संस्कार दिखता है जिसकी जो हमें ठीक नहीं लगता तो हमें लगता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. किसी के अंदर अगर झूठ बोलने का संस्कार है, उसने मेरे साथ झूठ बोला तो हमने कहा मेरे साथ झूठ बोला, मेरा काम सिंसियरली नहीं किया, मेरे पीठ पीछे ऐसा बोला, इट्स ऑल अबाउट मैं. बट ऐसा भी हो सकता है ना, मैं कह सकता हूँ मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद है. मेरे साथ भले खड़े नहीं करे. बार बार अगर सपोजिंग मेरा भाई या दामाद या बहू कोई भी रिश्ता ले लो आप,
दोस्त बार बार झूठ बोले तो आई कैन ऑलवेज से यार मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है. एंड वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया नहीं, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद है ऐसे लोग. अच्छा, अगर ऐसे नहीं लोग पसंद हैं, अब क्या करेंगे उन रिश्तों नहीं का? समझ में आता कब सही बोल रहे कब झूठ. अब उन रिश्तों का क्या करेंगे लेकिन, और उन रिश्तों में कैसे जिएंगे? जस्ट बाय सेइंग मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, तो काम की बात करेंगे नहीं करेंगे बाकी. लेकिन मुझे उनके साथ डील करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. लाइक वी सॉ द अदर डे, कलयुग है, हर एक के पास अलग अलग संस्कार हैं और हमें उनके साथ रहना है. ऑल्टरनेट मिल सकता है तो? ऑल्टरनेट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीपल विद वर्क, कब मिलने का, कम बात करने. कितने लोगों से दूर रहेंगे? और सबसे भी दूर रह लिए, अपने संस्कारों से कैसे दूर रहेंगे? जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है वो उनके संस्कार नहीं, हमारे पास वो संस्कार नहीं है जो उनके संस्कार के साथ एडजस्ट कर ले. तो हम कितने लोगों से दूर रहेंगे? क्यों ना हम वो संस्कार क्रिएट कर लें. ये मुझे पसंद नहीं, इससे दूर. ये मुझे पसंद नहीं, इससे दूर. इसके अंदर ये बात ठीक नहीं, इससे दूर. इससे अच्छा ये नहीं कि हम एक ऐसा संस्कार क्रिएट करें कि कैसे हमें इन सब के साथ चलना है. सामने वाले के आपने कहा कि वो संस्कार नहीं कि मैं सबके साथ एडजस्ट कर लूं, तो अगर वो मेरे में नहीं है तो मैं कहाँ से खरीद के लाऊं? हमें क्रिएट करना है ना, दैट इज द जर्नी ना. व्हाट डिड वी से कि हर एक आत्मा के अलग अलग संस्कार. हम उस संस्कार, मेरा भी संस्कार है. मेरा भी है तो मेरे पास, एडजस्ट करो. तो अब हम दूसरों को जाएंगे कहने के लिए कि आप मेरे से, घर वाले करें नहीं तो नहीं बात करें. देन सी द ऑप्शन, या तो वो मेरे साथ एडजस्ट करें. हाँ. या वो चेंज हो जाए, तो मेरी तरह वो भी अकेले कहीं भी जाए. लेट एवरीबॉडी लेवल, व्हाट आर वी डूइंग टू द होल यूनिट, पूरी फैमिली यूनिट को हम क्या कह रहे हैं? सब स्कैटर हो जाओ, या तो मेरे साथ एडजस्ट कर लो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन जाओ, या फिर दूर हो जाओ, अकेले अकेले रहो. सब एडजस्ट करें, सब एडजस्ट करें. या तो हम उनसे जाकर कहें कि आप एडजस्ट करें, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एडजस्ट करें. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज वो लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है, सिर्फ हम एडजस्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ, दूसरे नहीं एडजस्ट कर रहे हमारे साथ? अगर उनके अंदर कोई संस्कार है जो हमें ठीक नहीं लगता, हमारे अंदर संस्कार नहीं है जो उनको ठीक नहीं लगता? अभी मैंने ये बात कही थी मेरे एक फ्रेंड को, तो उसने कहा कि मैं एडजस्ट करना तो सीख गया, लेकिन शायद मेरा टॉलरेंस पावर बढ़ गया है, या मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, पता नहीं क्या है. वो अंदर की चेकिंग. अगर मन की स्थिति स्टेबल है तो टॉलरेंस पावर बढ़ गया है. अगर ऊपर से चुप है लेकिन अंदर परेशान हो रहे हैं, और अंदर ये फील हो रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा रहे हैं. चलिए, दिस इज गुड. ये समझ में आती है. स्थिति से चेकिंग होती है, शब्दों से चेकिंग नहीं है. ये सब शब्द हैं. टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस शब्द हैं. मीनिंग समझ में आ गया. चेकिंग कहाँ करेंगे? स्थिति से. अगर प्योर एलिवेटेड पॉजिटिव फीलिंग स्ट्रेंथ है, स्थिति ऐसे होगी स्टेबल. अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस है, देन इट इज़ नॉट वन ऑफ दीज वर्ड्स. देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दीज वर्ड्स. टॉलरेंस है, हम कह रहे हैं हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन मन अंदर से 10 क्वेश्चन कर रहा है. इट इज़ नॉट टॉलरेंस. हो सकता है दूसरे भी आपको टॉलरेट कर रहे हैं. दूसरे तो कर ही रहे हैं. दूसरा बंदा भी बोल सकता है कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, मुझे खुद नहीं मालूम. सेम थिंग मत भी, वो मुंह से बोला, दूसरा आदमी मन में सोच रहा होगा. इम्पोर्टेंट इज जब हम समझते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं. एडजस्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? दूसरे के संस्कार के साथ हम चल रहे हैं. हमें वो संस्कार सही नहीं लग रहा, फिर भी हम उनके साथ चल रहे हैं, एक्सेप्टिंग के ये संस्कार उनके अंदर है. लेकिन जैसे हम उनके संस्कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे वो भी हमारे संस्कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दिस तो ऑल ऑफ अस नीड टू रिमेम्बर. कोई एक नहीं है जो सिर्फ दूसरों का एडजस्ट कर रहा है, हर एक कर रहा है. सिर्फ ये है, हमें किसका दिखाई देता है? सिर्फ हमें अपना दिखाई देगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इसका ये संस्कार सही नहीं, मुझे सहन करना पड़ रहा है. इसका ये भी सही नहीं, मुझे सहन करना पड़ रहा है. लेकिन मेरा लोगों को क्या सहन करना पड़ रहा है? आर वी चेकिंग दैट?
एंड इट्स फाइन. हर एक एक दूसरे के साथ कर रहा है, हर एक ने करना है, लेकिन विद क्लैरिटी. जैसे उसने कहा व्हाई दे आर द वे दे आर, जब ये समझ में आ जाएगा तो उनके संस्कार के प्रति क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा. कोई चीज़ दिख रही है, ये ऐसी है, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस. सपोज ये पेड़ है इधर, अब ये ऐसा है, ये गिरा हुआ है पानी के अंदर ऐसा, वो उसकी विशेषता है, वो उसकी पर्सनालिटी है. दैट इज़ वॉट दैट ट्री इज़, वो ऐसी है. अब जब हम उसको देखते हैं, अगर हम अंदर 10 क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पेड़ भी कोई ऐसे होता है, पेड़ तो सीधा होता है, ये बेंड क्यों है, तो ये सब क्वेश्चंस करने से वो तो नहीं चेंज होने वाला. कहते भी है ना कि खजूर का पेड़ कोई पेड़ है क्या, देखो फल आ गया थी दूर, पंती को छाया नहीं, किसी को छाया भी नहीं देता है, तो question, और फल भी इतनी दूर ऊपर लगा के बैठा है. बट क्या हमारे, क्या हमारे के लिए कुछ ना कुछ questions, बोलते हैं? अब क्या हमारे ये क्वेश्चंस करने से ये पेड़ चेंज होगा? हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, इसके बारे में सोचते जाएं, बोलते जाएं, फिर ये भी कहें सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये इतना सा, ऐसे ज़्यादा नहीं करें, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बस इतना सा चेंज होने की ज़रूरत है, ऐसे हो जाए, ये चेंज हो जाएगा क्या? लेकिन क्या हो जाएगा उसके बारे में चिंतन करते करते हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है. क्यों, क्यों हम वेस्ट थॉट्स कर रहे हैं? कि मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा बेटा, बेटी, बहू, बीवी, कोई वो थोड़ा सा कम बोलना, थोड़ा सा धीरज आ जाए, तो वो तो बिल्कुल कमाल की हो जाएगी, या कमाल का हो जाएगा. आई विश, आई होप, और मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, तो उसमें मेरी एनर्जी क्यों डिप्लीट हुई है? ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं इतना ज्यादा? हाँ, इतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं? आई एम क्रिटिसाइजिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर. सो वो क्रिटिसिज्म में तो एनर्जी डिप्लीट होगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क उठेगा. उनके पीछे बोलो, सपोजिंग मैं बोलूँ कि फलाना आदमी सारा दिन बोलता रहता, बोलता मैं तो दुखी हूँ, क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या, तब भी डिप्लीट होती है. मैं मुंह पे नहीं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, उसके पीछे आपको बोल रहा हूँ, तभी भी डिप्लीट हो रही है, क्योंकि आप हैप्पी नहीं है उस संस्कार के साथ. अब उसी चीज को एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये ज्यादा बोलता है. क्या ये अंडरस्टैंड करे, जिससे इसको अवेयरनेस हो कि ये थोड़ा सा कम करे. एनर्जी की चेकिंग करनी है वो ही लाइन बोलते समय, मतलब उसको दुआ भेज सकते हैं. फर्स्ट इम्पोर्टेंट है मैं डिस्टर्ब हूँ क्या वो लाइन बोलते समय, देन इट इज एनर्जी डिप्लीटिंग. माय एनर्जी, यस, एंड आल्सो सेंडिंग बट माय एनर्जी डिप्लीटिंग. वी आर नॉट सेइंग कि सपोज आपने कहा वो ज्यादा बोलता है, या आपने कहा वो झूठ बोलता है, या वो सिंसियर नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन. थोड़ा सा एनर्जी डिप्लीट को क्लियर कीजिए. मेरी क्या एनर्जी डिप्लीट हुई? सपोजिंग मैंने अपनी बीवी, बच्चे, भाई, किसी के बारे में बोला कि इतना बकता, इतना बोलता है, आउट ऑफ टर्न बोलता है, लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, मेरी भी इज्जत खराब कर देता है, आई होप ही पता नहीं कब सीखेगा, कब सब बोल दिया मैंने. ये सब करते हुए मन कैसा है? मन बहुत बोला कुछ भी है, डजंट मैटर, डिस्टर्ब्ड है, मन डिस्टर्ब्ड है, मन डिस्टर्ब्ड है, आई एम हर्ट, डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग. कौन सी मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है और वो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीटिंग एनर्जी? आप अंदर असंतुष्ट और अनहैप्पी है. यू आर नॉट हैप्पी, नो, फॉर दोस 2 मिनट्स, तो यू आर नॉट हैप्पी. आई एम वेरी अनहैप्पी, या सो 2 मिनट्स अनहैप्पी, मतलब आत्मा 2 मिनट्स के लिए अपने ओरिजिनल सेल्फ से क्या हुई? हट गई. ओरिजिनल सेल्फ आत्मा की ब्लिस, प्योरिटी है, प्योरिटी है, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस है. अब चाहे 2 मिनट के लिए सही, जब हमने ये बात इस तरह से सोची, तो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हुई. कोई भी चीज़ बार बार अपनी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट हो रही है, उसकी पावर क्या होती जाएगी? जैसे शरीर है, ये हेल्थ उसकी ओरिजिनलिटी है. छोटी छोटी बातों में अगर ये अपनी ओरिजिनल हेल्थ से शिफ्ट होती गई, कभी ये थोड़ा दुखा, कभी वो दुखा, कभी ये बीमार हुआ, कभी तो डिसीज हो गई. अब उसी चीज को बोलना भी है, सोचना भी है, डिस्कस भी करना है, उनको भी राय देनी है, सब सेम करना है. सी, यू नो व्हाट, देयर इज नॉट मच चेंज आउटसाइड, सेम करना है, लेकिन एनर्जी कौन सी है? ये बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं,
इनको कुछ थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, परमात्मा शक्ति दे, हो जाएगा समय के साथ, उसको रियलाइजेशन हो जाएगा. मीनिंग डिटैच्ड इनसाइड, डिटैच्ड मीनिंग डिटैच्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दैट इमोशन. उनको ऐसा करते हुए हम जो डिस्टर्ब होते हैं वो डिस्टर्बेंस डिप्लीशन है. वो जो हमें बोलना है, जो करना है, दैट रिमेन्स द सेम. उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी सही रहेगी और जो एनर्जी जाएगी वो भी सही. परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, शिक्षा अगर किसी को देनी है, राय देनी है, मतलब शिक्षा देनी है, तो शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा और क्षमा साथ साथ जाना चाहिए. Means? मतलब हम शिक्षा बहुत इजीली देते हैं सभी को, एडवाइस ये नहीं, ये ऐसा, तो हम शिक्षा दे रहे हैं. और शिक्षा देते समय हम कब किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं? शिक्षा के साथ वाइब्रेशन कौन सी जा रही है, या तो वो क्रिटिसिज्म की है, या एंगर की है, या वो अंदर एक्सेप्टेंस के साथ शिक्षा. क्षमा मतलब जो हमने पिछली बार देखा, क्षमा मतलब चित्त को हमने मुक्त कर दिया. तो मतलब बेस्ट ये रहेगा जो परमात्मा कह रहे हैं कि पहले बंदे को क्षमा करो, हाँ, अपने माइंड को स्टेबल करो, राइट, उसके बाद शिक्षा दो, राइट. अब इसके पीछे क्या होगा, अगर मैंने तो उसको फील भी होगा कि मेरे को, मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और प्यार से बोल रहे हैं. अब इसमें क्या होगा, पहले चित शांत हुआ, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो वाइब्रेशन मेरी अपनी भी कैसे हुई, वेरी पीसफुल, वेरी काम. फिर शिक्षा दी कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए था. वो शिक्षा के साथ वाइब्रेशन भी कौन सी गई, वो भी पीसफुल. अब परमात्मा कहते ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले क्षमा करो फिर शिक्षा दो. हम क्या करते हैं, किसी ने कोई गलती की उसको शिक्षा देते हैं फिर उसके बाद क्षमा कर देते हैं. एक अगर जब मीटिंग होती थी कोई बिजनेस की, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग, उसमें मेरा फैमिली मेंबर, बेटा बेटी भाई बहन जो भी कब आउट ऑफ टर्न बोल दे और कुछ रॉन्ग बोल दे, तो मैं वो उस आदमी के जाने तक वेट करता था, उसके बाद इतना डांटता था. मैंने बोला तुम चुप नहीं रह सकते हो, तुमको अकल नहीं है, उसके सामने ये बोल दिया, मैं तो ये चाहता था, तुमसे कोई पूछे नहीं तो तुम बोलते हो. कितना लंबा लेक्चर देता था मैं. अब वो लंबा इसलिए हो जाता है, उसके साथ वाइब्रेशन कौन सी गई. लेकिन अगर वी अंडरस्टैंड हु दे आर, व्हाई दे आर लाइक दैट, संस्कार है, उनको वो सही लगता है, वो उनका व्यवहार करने का तरीका है, वो करना चाहते हैं चेंज, अभी कर नहीं पा रहे, उसके पीछे कोई कारण है, आत्मा में ताकत नुकसान कम भी है. तो हो सकता है मीटिंग में उनके बोलने से आउट ऑफ, उससे ज्यादा नुकसान किस में होगा, वो जो डैमेज बाहर होना है वो तो हो गया, दैट्स नॉट इन एनी वंस कंट्रोल, वो तो सिर्फ उस आत्मा के कंट्रोल में है. लेकिन उसके बाद जो हमने एनर्जी क्रिएट भी की और उनको भी रेडिएट की, तो नुकसान ज़्यादा नहीं हो जाएगा उससे. ये नुकसान के बारे में देखते हैं ना हम हमेशा, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान नहीं चेक कर रहे हम कि यहाँ नुकसान कितना होता है. वी सो अवेयर बाहर के नुकसान के बारे में, अंदर उसको नॉर्मल बोल देते हैं उस नुकसान को. क्षमा फिर शिक्षा. अभी हम अभी जो ये सीन भी आपने कहा, आपने पहले शिक्षा दी है ना, शिक्षा देने से पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, पहले अच्छा. शिक्षा से पहले थोड़ा डिस्टर्ब हुए शिक्षा दी, फिर कहा चलो ठीक है हो गया ना, ख़त्म करो बात को, तो क्षमा किया. तो ऑर्डर क्या हुआ, पहले डिस्टर्ब, फिर शिक्षा, फिर क्षमा. शिक्षा कहाँ दी थी, क्रिटिसाइज किया. हाँ, शिक्षा मतलब डायरेक्शन, राय, क्रिटिसिज्म की एनर्जी से दिया, लेकिन दी शिक्षा. अब हमें परमात्मा सिखाते पहले क्षमा, इसका मतलब पहले अपना चित साफ, फिर शिक्षा. और फिर कहते हैं कि अगर क्षमा करना शुरू कर दिया तो शिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्षमा ही शिक्षा है. मतलब क्षमा में आप वाइब्रेशन ऐसी दे देंगे कि वो क्षमा ही सामने वाले के लिए वो चेंज लाने की प्रेरणा बन जाएगा. एटलीस्ट दी अदर सोल विल स्टार्ट गेटिंग प्योर एंड एलिवेटेड वाइब्रेशंस फ्रॉम अस. अभी उनको कौन सी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, वाइब्रेशंस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं. वाइब्रेशन सामने वाले के अंदर या तो परिवर्तन ला सकती है या सामने वाले के उस संस्कार को और पक्का करा सकती है.
इज वेरी इम्पोर्टेंट. अगर आपके अंदर कोई एक पर्टिकुलर संस्कार है, इफ़ आई कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग दैट, चाहे शब्दों से चाहे सोच से, वो संस्कार बढ़ता जाएगा, क्योंकि दैट्स द एनर्जी विच इज़ गोइंग टू यू. लेकिन अगर हम उस संस्कार को एक्सेप्ट करके क्षमा करते हैं, कंपैशन रखते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो सामने वाले को पहुंचेगा, उससे सामने वाली आत्मा को शक्ति मिलेगी, वो शक्ति से वो आत्मा उस संस्कार को परिवर्तन करेगी. वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट एनर्जी वी आर क्रिएटिंग एंड रेडिएटिंग. वी थिंक वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ दे आर बिहेविंग. वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट आर वी सेंडिंग देम. वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो चेकिंग अपनी, हम सारा दिन चेकिंग क्या कर रहे हैं उनकी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या भेज रहे हैं. आपने कहा उसने ऐसा क्यों कहा मीटिंग में सबके सामने, ओके, उसके बाद मैंने ऐसा क्यों कहा, व्हाई डिड आई रिएक्ट द वे आई रिएक्टेड. अपनी चेकिंग, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू इट. दिस इज कंपैशन फॉर माई ओन सेल्फ, कंपैशन फॉर द अदर पर्सन. तो ये दो शब्द साथ साथ पकड़ते हैं, शिक्षा क्षमा, पहले क्षमा फिर शिक्षा. और क्षमा मतलब अपने चित्त को साफ करना. नहीं तो अगर हम किसी दिन बैठ के चेक करें तो यहाँ तो बहुत सारा अक्यूमुलेट हुआ हुआ है. डोंट यू फील कितने समय का पकड़ के रखा होती है चीज़ें, समय का, जन्मों का, जन्मों का पकड़ के रखा हुआ है. संस्कार पक्का होता जाता है पकड़ के रखने का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट. एंड देन व्हेन वी फॉरगिव, कंपैशन नेचुरल हो जाएगा. क्षमा किया, कंपैशन नेचुरल, मतलब हमारे से अब अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएंगी. आज किसी एक रिश्ते को लेते हैं, अपने किसी एक रिश्ते को चेक करते हैं, मतलब किसी एक आत्मा के साथ के अपने कनेक्शन को चेक करते हैं, जहाँ हमारे अनुसार उन्होंने हमें सही ट्रीट नहीं किया, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, हमने बहुत कोशिश की फिर भी उन्होंने ठीक से नहीं किया, तो मैंने कई बार दर्द क्रिएट किया और वो पकड़ के रखा. आज मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो दर्द मैंने पकड़ा है, मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान, इस रिश्ते का नुकसान. कितना लंबा चलाएं अब इस नुकसान को, कब तक नुकसान पे नुकसान पे नुकसान होता रहे. एक बिजनेस है, उसमें एक लॉस होता है, अगर हो गया लॉस, लेकिन लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस, एक पे एक लॉस, हो गया लॉस, ओके, पैसा इंटरेस्ट पे लिया, फिर लॉस, वो भी लॉस, फिर इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है, फिर वापस भी देना है और डिलेड इंटरेस्ट भी देना है. कितना नुकसान. टुडे वी विल नीड टू स्विच दैट. बैड बिजनेसमैन. यस. वी विल नीड टू स्विच दैट, कि अब और ये एनर्जी ऐसे नहीं चलेगी. अब वी विल हैव टू स्विच टू, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो पास्ट में किया जी, आगे क्या होने वाला है, वी डोंट नो. वी आर नॉट थिंकिंग कि प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर में क्या, नो. पास्ट में उन्होंने जो जो किया, दे हैड अ रीजन फॉर डूइंग व्हाट दे डिड. दे आर हु दे आर फॉर अ रीजन. Whether it is insecurity, whether it is abuse, whether it is something that has happened, whether there is some complexity in the mind, kuch reason hai, koi soch hai, koi fear hai, jis wajah se wo vyakti aisa behave kar raha hai. And aaj I release what I'm holding of the past. Tab automatically aapki energy achhi jayegi usme se. Let me and all of us try to release. We really need to do this today. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Compassion dissolves anger. Understanding why someone behaves the way they do allows for forgiveness when they have mistreated you. Maybe they are insecure or in pain, or maybe they even suffered some type of abuse in their lifetime, and we can see why they are the way they are. We spend a lot of time thinking about why people are like this to me. Why did they say this to me?
Why did they do this to me? With this kind of thinking, we are only creating pain and criticizing them for being the cause of our pain. Let us spend a few moments thinking about them, why they are the way they are. We are hurt because they behaved like that with me. The truth is, they are that way. Their behavior is a reflection of their personality. Instead of withdrawing from people who have sanskars which we do not find right, let us create a sanskar of adjusting with those sanskars. Like we are adjusting with others' sanskars, they are also adjusting with our sanskars. If we remain detached from the influence of others' sanskar, we will be stable. We will then give them advice with vibrations of respect, not criticism. They will appreciate the advice. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life. Om Shanti.